जयपुर में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा आत्महत्या मामला, धरने पर बैठे परिजनों से मिले विधायक और नेता। जयपुर भानकोटा क्षेत्र में हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा की आत्महत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस दुखद घटना के बाद बाबूलाल बैरवा के परिजन न्याय की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। धरना स्थल पर हालात को देखते हुए किशनपुर के विधायक अमीन कागजी और ओके अन्ना नेता धरने पर बैठे परिजनों से मिलने पहुंचे। परिजनों ने पुलिस विभाग में व्याप्त समस्याओं और बाबूलाल की आत्महत्या के कारणों की निष्पक्ष जांच की मांग की है। विधायक और नेता ने परिजनों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया और सरकार से मामले की गंभीरता से जांच कराने की मांग की। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोग भी धरने में शामिल हो रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि बाबूलाल ने कार्यस्थल पर हो रहे मानसिक तनाव के चलते ही कदम उठाया। वे पुलिस प्रशासन और राज्य सरकार से न्याय की गुहार कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब जनता और नेताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जिससे सरकार और पुलिस प्रशासन पर दबाव भी बढ़ा है। मामले की जांच की मांग को लेकर धरना जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई एक जात बिरादरी या एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है कि इसमें सब धर्म मजहब के लोगों को साथ आकर बाबूलाल बैरवा के परिवार के साथ खड़े होने का वक्त, उनको न्याय कैसे मिले इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन से अधिकारी थे जिनकी वो प्रताड़ना सह रहा था, वो कौन से लोग थे जिनसे वो आग था, कौन सी बात थी जिससे वो आग। साथियों, समय बहुत स्पीड से बदल रहा है और आने वाला समय, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने हक और हुकूक की लड़ाई जो सड़कों पर लड़ेंगे और सड़कों पर अपनी बात मनवाने के लिए सरकारों को नाकों चने चपवाएंगे, घुटनों के बल आएंगे, उन्हीं को न्याय मिलेगा। अब आसानी से न्याय मिलना बड़ा मुश्किल, हम सबको एक होना पड़ेगा। और यहाँ उच्च अधिकारी आए, मंत्री आए, डिप्टी सीएम साहब आए और बाबूलाल बैरवा के परिवार को न्याय दिलाए। मैं इस दुख के पल में परिवार के साथ, समाज के साथ और जितने भी भाइयां बैठे उनके साथ हर परिस्थिति में हम साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बाबूलाल की आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार को यह सरकार जल्द से जल्द न्याय दिलाए। जय भीम।